हे गाइस, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए बिना ही आप अपने मोबाइल में पीडीएफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल से पीडीएफ कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस टाइप की पीडीएफ है जो क्रिएट करना चाहते हो तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में यहाँ पर ये गूगल ड्राइव को ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके मोबाइल में ये ऐप तो होगी, इस ऐप को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे की तरफ प्लस वाला, इस प्लस आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको 6 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, फोल्डर, अपलोड, स्कैन, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट और गूगल स्लाइड्स। आपको यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करना है। जब आप स्कैन पर क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरे में आपको यहाँ पर फोटो है जो स्कैन करना है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो हमारा मोबाइल का कैमरा ओपन हो गया है और कैमरे में फोटो स्कैन करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस, आप भी इस तरह से फोटो है जो स्कैन कर दीजिए। मैं यहाँ पर फोटो है जो स्कैन कर देता हूँ, फोटो स्कैन कर दिया। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है जो देखने को मिला, यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर नीचे राइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपने जो फोटो स्कैन किया था वो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। आपको क्या करना है, आपको और भी फोटो ऐड करनी है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैंने पहले तो ये फोटो है जो क्लिक कर दिया, मैं दूसरा फोटो है जो इसमें यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ। देख सकते हो यहाँ पर दूसरा फोटो कैसे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको नीचे प्लस वाला आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करना है। आप और भी फोटो इसमें ऐड कर सकते हो, देख सकते हो मैं इसको भी मैंने स्कैन कर दिया है। फिर आपको इसमें क्या करना है, आपको राइट वाले बटन पर क्लिक करना है और राइट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का पेज ओपन हो गया। इसमें आप फोटो को क्रॉप करना चाहते हो उस हिसाब से आप ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा। अगर आप अच्छे से क्रॉप करना चाहते हो तो आप क्रॉप भी कर सकते हो। नीचे आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका फोटो जो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा। फिर आपको इसमें इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कलर भी देखने को मिलते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर, कलर ड्राइंग। अगर आप फोटो को रोटेट करना चाहते हो यहाँ से रोटेट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पर और भी फोटो ऐड करना, तो यहाँ से और भी ऐड कर सकते हो। फिर आपको सेव वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है और यहाँ पर आपको फाइल नेम का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस फाइल नेम पर आपको क्या करना है, आपको अपना फाइल का जो भी नाम लिखना है यहाँ पर नाम लिख दीजिए, जो भी आपको इस नाम को हटा देना है। फिर आप अपना दूसरा नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हो, फाइल का दूसरा नाम मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर। तो गाइस, मैंने अपना नाम टाइप कर दिया है, नाम इस तरह से आप भी टाइप कर दीजिए। आपका जो भी फाइल का नाम टाइप करना है, टाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ऊपर एक ऑप्शन है जो दिखाई दे रहा है सेव का, इस सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपने जो यहाँ पर पीडीएफ बनाई है वो आपको यहाँ पर इस तरह का आपसे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो फाइल है जो आपकी गैलरी में ऑटो फाइल में सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और फाइल में सेव होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आप फाइल को किसी में अपने दोस्तों में वगैरह शेयर कर सकते हो, आपकी फाइल बनकर तैयार हो जाएगी। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अपने मोबाइल से पीडीएफ फाइल है जो क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।